हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मोमड़े की लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे मुड़मुड़ा भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। इस लड्डू को बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ये मकर संक्रांति के त्योहार पे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये मुड़मुड़े की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। सबसे पहले गैस पे हम एक कढ़ाई लेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। गैस पे कढ़ाई को अच्छी खासी गर्म होने देना है। तो अपनी कढ़ाई जो है गर्म हो चुकी है। अब हम फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और उसमें मोमड़े को सेकेंगे। इसे भूनना नहीं है, हल्का सा गर्म करना है। तो हम फ्लेम लो रखेंगे और एकदम आराम आराम से इसे गर्म होने तक सेकेंगे। मोमड़ा को हमने 1 से 1.5 मिनट तक सेका है। हाथ से छू रहे हैं, मोमड़ा गर्म हो चुका है। कहीं पे इसे मूढ़ी भी कहते हैं, हम तो इसे मोमड़ा कहते हैं। अब हम एक कपड़ा के हाथ से कढ़ाई को पकड़ेंगे और प्लेट में इसे निकाल लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई को गैस पे रख के और इसे क्लीन कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। तो जितना हमने मोमड़ा लिया था वजन में, उतना ही गुड़ लेना है। आप जितना मोमड़ा लें उतना ही गुड़ लें वजन करके। हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे और एकदम स्लो गैस से इसे हम गर्म करेंगे। गुड़ को तोड़ लेना है। गुड़ की बड़ी साइज रही तो पिघलने में टाइम लगता है। इससे क्या होता है, आधा गुड़ जो है वो चाशनी में तैयार हो जाता है और आधी गुड़ जो है वो ऐसे रह जाती है। गुड़ पिघलने लगा है, लेकिन यहाँ पे हम आधा चम्मच पानी डालेंगे। इससे क्या होगा, अपना गुड़ जो है जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो हमें मीडियम फ्लेम पे ही गुड़ को मेल्ट करना है, तेज नहीं करना है। इसमें 2 से 3 मिनट लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अब ध्यान से देखिए, अपना गुड़ जो है वो मेल्ट हो गया है, एक भी टुकड़े नहीं दिख रहे हैं। अब हम फ्लेम को थोड़ा मीडियम टू हाई करेंगे। कंटिन्यू हमें चाशनी को चलाते हुए पकाना है, नहीं तो क्या होता है, पेंदी में गुड़ बहुत जल्दी लग जाता है। अगर गुड़ लग गया तो अपनी लड्डू का टेस्ट बिगड़ जाता है। तो हमने चलाते हुए इसे 2 मिनट तक पकाया है। अब ध्यान से देखिए, अपनी चाशनी का कलर भी चेंज हो गया है, झाग भी आने लगे हैं। तो इस स्टेज पे हम चाशनी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कटोरी में पानी लेंगे और चम्मच से हम 1 से 2 ड्रॉप इसमें डालेंगे। 2 सेकेंड तक हम इसे ठंडा होने देंगे। फिर हम इसे अंगुली से ऐसे इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, अपनी गुड़ जो है एकदम इकट्ठा हो जा रही है। अब हमें क्या करना है, इस स्टेज पे हमें डालना है 1 चम्मच खाने वाला सोडा। इस सोडा को हम क्या करेंगे, चाशनी में डाल के जल्दी जल्दी चलाएंगे। इससे अपनी लड्डू जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो ध्यान से देखिए, झाग भी अपना एकदम व्हाइट हो गया है, फूल के ज्यादा भी हो गया है। अब हम इस स्टेज पे अपने मोमड़ा को इसमें मिक्स करेंगे। तो हम ऐसे मोमड़ा को डाल देंगे और स्पेचुला से चलाते हुए इसे मिक्स करेंगे। अब हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रहे, ये प्रोसेस हमें बहुत ही जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो ये क्या होता है, चाशनी बनने के बाद गुड़ अपना जमने लगता है, फिर तो लड्डू बनाने में मजा नहीं आती है।
तो आप ध्यान से देखिए, हमने जितना गुड़ लिया था उसमें मोबड़ा जो है एकदम परफेक्ट मिक्स हो गया है। मोबड़ा के साथ चाशनी मिक्स कर लिया। अब हम एक कटोरी में पानी लेंगे और इसे हाथों को ऐसे थोड़ा सा भींगा लेंगे, क्योंकि गुड़ जो होती है बहुत गर्म होती है, तो हाथ का लेयर जो है एक पर ठंडा रहेगा तो लड्डू अच्छे से बन जाएगा। अब हम लड्डू का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, यानी कि जितनी बड़ी साइज अपनी लड्डू बनानी है, और हम इसे हल्के हाथों से ऐसे इसका गोल शेप देंगे। तो हमने मोमड़ा को लड्डू का शेप दे दिया है। आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुई है। तो इसमें हमें बहुत फास्ट काम करना है, फटाफट हम थोड़ा थोड़ा मोमड़ा निकालेंगे और हथेलियों से ऐसे गोल करते हुए, या तो ऐसे उछाल के, आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे, लड्डू का शेप देते जाना है। फिर हम दूसरा मोमड़ा उठाएंगे। ये आसानी से बन जाता है, कोई हार्ड काम नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो ऐसे ही हम सभी मोमड़े के लड्डू को बना लेंगे। गुड़ और मुरमुरा के लड्डू बनकर तैयार है, इसे आप भी ट्राई कीजिए। ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। बच्चे तो इसे बहुत ही प्रेम से खाते हैं। इसकी खासियत है कि इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के रख देंगे तो ये सप्ताह भर चलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये मुरमुरे की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।